Welcome you all. Today we are going to discuss a very important topic. गीता तो लड़ाई कराती है, ये हमने अक्सर सुना ही होगा. टॉपिक ये नहीं है कि क्या गीता लड़ाई कराती है, टॉपिक है गीता तो लड़ाई कराती है. जनरली भक्त लोग जाते हैं अलग अलग स्थान पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और जब वे लोगों के हाथ में गीता देते हैं तो पहला प्रश्न लोगों के मन में यही आता है कि गीता तो लड़ाई कराती है, इसलिए गीता को घर में रखना इतना शुभ नहीं है. तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर हम चर्चा करेंगे. बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये. पहला श्लोक बोला गया है धृतराष्ट्र के द्वारा. श्लोक इस प्रकार से है. धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवश्चैवा किम अकुर्वत संजया. तो पहले शब्द गीता में धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए. धृत मतलब जो कि आसक्त है, किसके साथ, राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र के साथ. तो धृतराष्ट्र यानी उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं जो अपने राष्ट्र, स्थान, क्षेत्र के साथ, राज्य के साथ बहुत ज़्यादा आसक्त है. और पहले शब्द उनके द्वारा जो बोले गए बहुत महत्वपूर्ण है. पहला शब्द उनके द्वारा बोला गया धर्म क्षेत्र. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा. इसका अर्थ है कि धर्म के क्षेत्र जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, उस पर एकत्रित हुए लोगों ने क्या किया, और कौन लोग वहाँ पर एकत्रित हुए हैं. मामका पांडवश्चैवा, मेरे पुत्र मामका पांडवश्चैवा किम अकुर्वत संजया. तो ये प्रश्न अभी देखिए बहुत अजीब सा लगता है. धृतराष्ट्र के द्वारा ऐसे प्रश्न का पूछा जाना क्यों अजीब सा लगता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, और उस समय ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र संजय से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों ने क्या किया. ये बिल्कुल इसी प्रकार से है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है, दोनों टीमें आमने सामने हैं, टॉस जीत कर कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, ये सब कुछ निर्धारित हो चुका है, टॉस हो चुका है. अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने क्या किया. जाहिर सी बात है वहाँ पर अब वो आराम तो करने गए नहीं हैं, वहाँ पर और कुछ कार्य भी नहीं करने गए हैं, वहाँ पर वो पार्टी मनाने भी नहीं आए, वो क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, वो वहाँ पर क्रिकेट ही खेलेंगे. युद्ध के मैदान में एकत्रित युद्ध की इच्छा से, डिजायरिंग टू फाइट, युयुत्सवा, जो कि युद्ध करने की इच्छा से जो लोग वहाँ पर गए हैं, उन्होंने क्या किया, क्यों क्यों धृतराष्ट्र के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया. क्योंकि धृतराष्ट्र थोड़ा चिंतित थे. किस कारण से वो चिंतित थे, कि धर्म क्षेत्र जो स्थान का चयन किया गया युद्ध करने के लिए, वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं था, वो धर्म का स्थान था. और इसलिए वो चिंता में थे कि कहीं धर्म के स्थान का प्रभाव मेरे पुत्रों पे या पांडु के पुत्रों पर ना पड़ जाए. मेरे पुत्र अर्थात, यानी कि अभी तक उन्होंने संधि के विषय में कोई विचार नहीं किया, लेकिन धर्म के स्थान का प्रभाव उनकी चेतना पर ना पड़ जाए और बोले हमने अभी तक जो भी कार्य किया है वो गलत कार्य किया है, इसीलिए हमको पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, उनका जो राइटफुल क्लेम है 50% राज्य उनको दे देना चाहिए, वो भी क्षत्रिय हैं, वो अपना राज्य अलग करेंगे, हम अपना राज्य अलग करेंगे, और इस प्रकार से हमको एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. तो ये उनकी चिंता थी मामका अपने पुत्रों से. और दूसरी उनको चिंता थी कहीं ये जो धर्म का प्रभाव है पांडवों के ऊपर ना आ जाए और वो सोचें कि हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे राज्य करके, हम संन्यास ले लेते हैं, चले जाते हैं. तो कुछ इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया धृतराष्ट्र के द्वारा. तो ये उनकी आसक्ति को भी दर्शाता है और उनकी चिंता को भी दर्शाता है. और उसके बाद संजय उनको युद्ध के मैदान का वर्णन करना शुरू करते हैं, और फिर संजय उनको बताते हैं अर्जुन की स्थिति. अर्जुन की स्थिति, जब अर्जुन ने देखा अपने सामने अपने पिता माँ को, अपने गुरुजनों को, अपने भाई बंधुओं को, तो अर्जुन ने यह निर्णय किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उसने अपना गांडीव अपने हाथ से छोड़ दिया. तो जब लोगों को ये बात पता चलती है कि अर्जुन ने देखा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अर्जुन
सब कुछ दे देना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी स्थिति में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता उनको सुनाई, गीता उनको बताई और अर्जुन ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सारा का सारा ज्ञान का प्रभाव हुआ, और जो ज्ञान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है, तो कृष्ण के द्वारा ये ज्ञान केवल और केवल युद्ध कराने के लिए दिया गया था। अर्जुन संधि करना चाहते थे, अर्जुन किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनको ऐसा संदेश, ऐसा पाठ पढ़ा दिया जिसके कारण अर्जुन ने युद्ध कर लिया। और आप जानते हैं 18 दिन के अंदर महाभारत में ऐसा भयंकर, ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि 18 दिन के अंदर 1,66,20,000 लोग मारे गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ। तो इसका सारा का सारा जिम्मेदार कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया गया। और लोग यही बात कहते हैं, अच्छा खासा था अर्जुन, युद्ध नहीं करना चाहता था, उसको जाने देते, वो अपने कुछ तपस्या कर लेता, कुछ भक्ति में लग जाता और ये इतने लोगों को युद्ध नहीं करना पड़ता। तो हम इसी को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम बात करते हैं गीता की, तो गीता में हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो चीज़ों का वर्णन हुआ है। एक तो ज्ञान का वर्णन हुआ है जिसको हम फिलॉसफी या दर्शन को कह सकते हैं, और दूसरा भगवान ने बात की है अर्जुन की भावनाओं को जागृत करने की। तो जब ज्ञान की बात होती है उसमें भावनाओं का इतना रोल नहीं होता। ज्ञान दिया जाता है यानी पूरा का पूरा एज इट इज बताया जाता है, सही गलत के विषय में बताया जाता है, आपको क्या चयन करना चाहिए इसके विषय में नहीं बताया जाता। क्या है एज इट इज व्हाट, उसके विषय में सब कुछ बताया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। अर्जुन ने तरह तरह के प्रश्न पूछे और सबका उत्तर भगवान उनको दे रहे थे। जितने भी अर्जुन के प्रश्न थे, अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने भी भगवान की बात को बिना समझे स्वीकार नहीं किया, प्रश्न पूछते रहे। हालांकि प्रश्न पूछने का तरीका है कि उनकी इंक्वायरी जो थी उसमें दो क्वालिफिकेशन थी, एक वो जेन्युइन इंक्वायरी थी और दूसरा वो ह्यूमिलिटी से पूछ रहे थे। किसी को डिफीट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए उनकी इंक्वायरी नहीं थी। वास्तविक रूप में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए अगर हम वास्तविक रूप में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इंक्वायरी की जा सकती है, और इंक्वायरी इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। बस इसमें दो क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए और उसको ह्यूमिलिटी से पूछा जाना चाहिए। अर्जुन प्रश्न कर रहे थे, भगवान उनका उत्तर दे रहे थे। पूरे के पूरे इस वार्तालाप के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भावनाओं को जागृत करने के लिए, उनके इमोशंस को जागृत करने के लिए कोई भी बात कही हो, केवल और केवल ज्ञान के आधार पर सारी बात की गई। और दूसरा हम दूसरा जो एस्पेक्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बात की, अर्जुन से इंस्पिरेशन को लेकर बात की, प्रोवोकेशन को लेकर कोई बात नहीं की कि हमको कहाँ क्या करना है। उसके लिए भगवान ने उनको इंस्पायर किया, ना कि उनको प्रोवोक किया। जब हम प्रोवोक करने की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति के इमोशंस, फीलिंग की बात की जाती है, और उसमें व्यक्ति के साथ हुए सारे बुरे कार्य, सारे अत्याचारों का वर्णन किया जाता है। पूरी की पूरी गीता में ना तो अर्जुन ने कभी ऐसी बात की जहां पर वो अपने इमोशंस शेयर कर रहा हो, या पूरी की पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनके साथ कभी कुछ ऐसा वर्णन किया जिसमें उनको याद दिलाया गया हो, याद करो वो दिन आपके साथ साथ क्या कितने अत्याचार हुए हैं। पूरे के पूरे 18 अध्याय में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनका कुंती महारानी ने जरूर वर्णन किया है अपने श्रीमद् भागवतम में, उसका वर्णन आता है और वो भी श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी जी के द्वारा जो प्रार्थनाएँ की जाती हैं उनके अंदर उन पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स का वर्णन आता है, और वह भी इस रूप में वर्णन आता है
कि कुंती महारानी उनको याद करते हुए भगवान की कृपा को याद करती हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं और भगवान ने हमारी इतनी मुश्किलों से उन सब से रक्षा की है। तो कुंती महारानी इस प्रकार से कहती हैं, विशान महाग्ने पुरुषादश नाद असत सभाया वनवास कृष्णा मृदे मृदे अनेक महारथ अस्त्रो द्रोणे अस्त्रतश्चास्मे हरे अभि रक्षिता। तो अभी रक्षिता, हमको पूर्ण रूप से बचाया गया है। कुंती महारानी ये प्रार्थनाएं कर रही हैं और किन किन चीज़ों से बताया गया है तो वो सारी याद करती हैं। और किसने बताया है, भगवान की विशेष अनुकंपा के कारण पूर्ण रूप से जब जब हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान ने हमें कभी भी कुछ कष्ट नहीं आने दिया और हमें उनसे हमेशा बचाया है। तो पहले कहती हैं विष, तो ये हम सब जानते होंगे महाभारत के प्रसंग को, भीम को विष दिया गया दुर्योधन के द्वारा और उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भीम बचकर आ गए। उल्टा हम कह सकते हैं उनको अमृत प्राप्त हो गया और वे और बलशाली होकर लौट आए। फिर वह वर्णन करती हैं महाअग्ने अर्थात लाक्षाग्रह में पांचों पांडव और कुंती महारानी को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भी वहां से बचकर आ गए। फिर वो बताती हैं पुरुषाद दर्शनाद, और जब वे वनवास में थे वहां पर नरभक्षी आदिवासियों से भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। फिर वर्णन आता है असत सभाया, असत सभा यानी कि कौरवों की वो सभा जिसमें जुए को खेला गया, जिसमें पांडव हार गए, जिसमें द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया और जिसमें द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया गया। तो कुंती महारानी बता रही हैं उनसे भी हमको बचाया गया, और इसके अलावा वनवास जब उनको प्राप्त हुआ तो उसमें भी तरह तरह की आने वाली समस्याओं से हमको बचाया गया। ये भगवान की विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर है। यहाँ पर भी कुंती महारानी कोई फीलिंग्स को प्रोवोक करने के लिए, कोई इमोशंस को प्रोवोक करने के लिए या उनके अत्याचारों को काउंट करने के लिए इन सब का वर्णन नहीं कर रही हैं। वो वर्णन कर रही हैं किस लिए, कि भगवान की ऐसी विशेष कृपा है कि इतनी सारी समस्याएं आने के बावजूद भी हमको बचा लिया गया। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, एक बात हमको ये जाननी होगी, जब हम बात करते हैं किसी को प्रोवोक करने के लिए तो किसी को प्रोवोक कैसे किया जाता है। किसी को प्रोवोक करने के लिए सबसे पहले हमने जैसे यह चर्चा किया कि उसके अंदर के इमोशंस को जागृत किया जाता है। आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे आप ये सब सहन कर सकते हैं, कैसे आपने ये सहन कर लिया कि भीम को विष दे दिया गया, कैसे लाक्षागार ग्रह का अत्याचार आपने सहन कर लिया, और सब तो छोड़ो, कैसे आप सहन कर सकते हैं जब द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीर हरण करने का प्रयास किया गया, कैसे। तो ये सारी के सारा वर्णन गीता के अंदर नहीं है, गीता में सिर्फ ज्ञान दिया गया है। इमोशंस की कोई बात नहीं हुई है उसमें, फीलिंग्स की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो प्रोवोक करने का कोई प्रयास गीता में नहीं किया गया, और फिर दूसरे की गलती गिनाते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये तो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार चलो गलती से अत्याचार कर दिया तो अत्याचार पे अत्याचार, इतना अत्याचार कौन करता है और इतना अत्याचार कौन सहता है, यह तो कायरो जैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ उसके अंदर वर्णन नहीं किया गया। फिर क्रिटिसिज्म होता है, दूसरे के वो प्रोवोक करने के लिए क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनकी कमी गिनाई जाती है, ऐसा भी कुछ गीता के अंदर नहीं किया गया। तो ये सब हम देखते हैं गीता में, इसका वर्णन बिल्कुल नहीं है। गीता में ज्ञान की बात हुई है, कौन से ज्ञान की बात हुई है हम देखें। सबसे पहले जो ज्ञान गीता में चर्चा किया गया वो ज्ञान था आत्मा का ज्ञान, फिर उसके बाद परमात्मा का ज्ञान है, उसमें कर्म योग का ज्ञान है, उसमें ज्ञान योग का ज्ञान है, उसमें भक्ति योग का ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान गीता के अंदर दिया गया है। और इतना सब ज्ञान देने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आपको क्या करना है, वो उसके विषय में बताते हैं। पहले तो
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु, ये सब ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है इस ज्ञान को प्राप्त करके आप क्या करना चाहते हैं, कौन से मार्ग का चयन करना चाहते हैं। इसमें कोई फोर्स नहीं है। जब किसी को प्रोवोक किया जाता है, जैसे हम आजकल के वातावरण में देखते हैं, किसी को जब प्रोवोक किया जाता है उसको बताया जाता है आपको ऐसा करना चाहिए। हम सोसाइटी में देखते हैं, जो अगर आप लोगों ने कभी प्रोवोक करने वाले कुछ लेक्चर, कुछ स्टेटमेंट, कुछ भाषण सुने होंगे, तो किस प्रकार से उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी में किस प्रकार से हार्शनेस होती है, कठोरता होती है, और कैसे उनकी वाणी से नफरत झलकती है। लेकिन भगवान की वाणी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ज्ञान को एज इट इज़ कम्प्लीटली भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद अर्जुन को पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया। अर्जुन को फ्रीडम दिया गया कि आप स्वयं निर्णय कीजिए आप कौन सा भाग अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने सबसे अंत में कहा कि मैं आपके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करूंगा, यथा इच्छसी तथा कुरु। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं, जो कि इस गीता का पहला शब्द है धर्म, तो असली धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी कि जो भगवान को पसंद है वो कार्य करना, वह असली धर्म कहलाता है। अभी आजकल के हम सिनेरियो की बात करते हैं, धर्म को लोग रिलीजन मानकर चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि धर्म के लिए लोग क्या करते हैं, पीपल किल फॉर रिलीजन, पीपल डाई फॉर रिलीजन, बट पीपल डू नॉट लिव फॉर रिलीजन। लोग धर्म के नाम पर खून खराबा करते हैं, धर्म के नाम पर मार काट करते हैं, और अपनी जान देने को भी उतारी हो जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जीने को कोई तैयार नहीं है। और जबकि भगवान के द्वारा जो धर्म है वह है कि सबको मिलजुल कर भगवान की सेवा में नियुक्त होना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और इस बात की पुष्टि कहाँ होती है, इस बात की पुष्टि भगवद्गीता में होती है। भगवद गीता की 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यद करोषि यद अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यद यद तपस्वसि कौन्तेया तत्कुरुष्मद अर्पणम। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले भगवान चार चीज़ों के विषय में बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं जो भी आप करते हैं वो मेरे लिए कीजिए। यद करोषि यद अस्नासि, जो भी आप खाते हैं वो आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करके उसको खाइए, यानी पहले भगवान को अर्पण कीजिए। जो भी आप अर्पण करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए अर्पण कीजिए, और भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। तो ये चार कार्य करने के विषय में भगवान ने बताया गया। अब जो ये सब चार कार्य करता है, अब उसकी भक्ति के स्तर के विषय में हम जान सकते हैं कि वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, यानी कि उसके अपने कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होते, सेल्फिश इंटेंशन नहीं है, सेल्फिश डिजायर नहीं है। तो फिर वह अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने राज्य प्राप्त करने के लिए वो किसी और का वध क्यों करेगा। तो भगवान के भक्त केवल भगवान के भक्ति के विषय में चिंता करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के विषय में चिंता करते हैं, इसीलिए वे किसी और को, यहाँ तक कि मारना तो दूर, किसी मनुष्य को मारना तो दूर, एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाने से डरते हैं, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल का पालन करते हैं जिस प्रिंसिपल में कहा जाता है जीवे दया। ये और इसके अलावा भगवान ने और क्या कहा था भगवद्गीता में, इसके अलावा भगवान ने कहा था मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं अपना मन मुझमे अर्पण कर दो, मुझको नमस्कार करो और मेरी सेवा में नियुक्त हो जाओ। तो ये सब चर्चा करने के बावजूद भी लोग कह सकते हैं अगर भगवान की सेवा में जुड़ना था, भगवान को नमस्कार करना था, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी थी, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करना था, तब भी हम रिजल्ट क्या देखते हैं। रिजल्ट तो हम यही देखते हैं ना कि गीता खत्म होने के पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ और इतने लोग मारे गए, तो ये हुआ, लेकिन उसके पीछे का पर्पस हमको जानना होगा।
वे सारे के सारे जो लोग मारे गए वो अधर्म के साथ थे। अगर वो जीवित रह जाते तो जो जनता है, जो प्रजा है, उनके कष्ट बढ़ने वाले थे। और अर्जुन एक क्षत्रिय है, पांडव एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का एक जिम्मेदारी है, क्षत्रियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने ऊपर डिपेंडेंट प्रजा की रक्षा करे। यानी क्षत मतलब होता है हर्ट, तो यानी क्षत्रिय मतलब जो उनको प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट होने से बचाए वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि जो हमेशा युद्ध करता रहे। उनका मेन मोटिव, मेन लक्ष्य प्रजा की हर हाल में रक्षा करना है, और उसके लिए अगर उसको युद्ध का सहारा लेना पड़ता है तो वो युद्ध का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मेन मकसद यही था, अधर्म को हराना। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया तो उसके सारे डाउट संशय क्लियर हो गए, क्योंकि अर्जुन बाहरी रूप से उनसे आसक्त होकर उनके द्वारा किए गए अधार्मिक कार्य जो उनके साथ और उनकी प्रजा के साथ जो और उनके अलावा कष्ट उठा रही थी उसको भूल रहे थे, और इसीलिए भगवान ने उनको इंस्पायर किया सही कार्य करने के लिए, और उसके बाद उनको फ्रीडम दिया कि आप जो चाहें वह उसका चुनाव कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रोवोकेशन नहीं है, किसी अत्याचार का वर्णन नहीं किया गया, और अर्जुन उनकी बात को समझे और फिर उन्होंने बाद में सही मार्ग का चुनाव किया। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से सोल्जर्स अपने देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं और आतंकवादियों का वध करते रहते हैं। अब वहाँ पर भी कभी कभी ऐसा लोग कहें अगर अच्छा इन्होंने तो एक मनुष्य का वध कर दिया, वो भी मानव है, वो भी जीव है, लेकिन वो आतंकवादी है, उनके इरादे कितने गलत थे। अगर वो बच जाते निर्दोष प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या कर सकते थे। और इसीलिए जब सोल्जर ऐसा कार्य करते हैं, हालांकि उन्होंने मारने का कार्य किया गया, हम उनको परम वीर चक्र से सम्मानित करते हैं, यहाँ पर आकर उनको सजा नहीं सुनाते हैं, तो लक्ष्य या पर्पस वो डिफाइन करता है आपने क्या मार्ग का चयन किया है। तो अर्जुन का लक्ष्य या भगवान का लक्ष्य पृथ्वी से सभी अधर्मियों को, सभी पापियों को ख़त्म करना था ताकि दोबारा से धर्म की स्थापना की जा सके। क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान का लक्ष्य, प्रकट होने का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्पस धर्म की पुनः स्थापना करना होता है, और यही धर्म की स्थापना जो शब्द है या ये जो पर्पस है, इसी को लेकर धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि भगवान जो कि धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, पांडव जो कि धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, धार्मिक हैं, उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, और इसके अलावा वो धर्म क्षेत्र, तो सारी की सारी चीज़ें पांडवों की विजय को सूचित करती हैं, और इससे चिंतित होकर धृतराष्ट्र के द्वारा वो श्लोक बोला गया कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र जैसे अगर हम बोलते हैं कि गेहूं का कोई खेत है तो वहाँ गेहूं की खेती होगी, और जो एक्स्ट्रा सारे वीट्स हैं, खरपतवार हैं, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो धृतराष्ट्र की यही चिंता थी, धर्म क्षेत्र में जहाँ पर धर्म की खेती होगी, जहाँ पर अधर्मी जैसी खरपतवार मेरे पुत्र कौरव उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इसीलिए वो चिंता में थे। और इस युद्ध का आउटकम धर्म की विजय के साथ हुआ, यानी कि अगर युद्ध होता भी है तो उसके पीछे ये देखना चाहिए कि धर्म का पालन कौन कर रहा है। तो हाँ, गीता के द्वारा हम देखते हैं भगवान ने इंस्पायर किया अर्जुन को सही मार्ग का चयन करने के लिए, ना कि लड़ाई कराने के लिए। लड़ाई तो वह करना ही नहीं चाहते थे, वो तो संधि करना चाहते थे। उन्होंने तो कहा 5 गांव दे दीजिए, हम उस पर ही राज्य कर लेंगे, लेकिन उन्हें दुर्योधन के द्वारा कहा गया सुई की नोक के बराबर भी एक भूमि का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। फिर भी संधि के कई प्रस्ताव भेजे गए और उन्होंने, उस दुर्योधन ने उनको भी अस्वीकार कर दिया।
तो इससे हम देखते हैं कि धर्म की विजय के लिए ये मार्ग अपनाना पड़ा। अब जहाँ तक हमारे घरों की बात है, घरों में ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में ये गीता लड़ाई कराती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो धर्म है और जो अधर्म है, उनके बीच का भेद हमको जरूर पता चलता है। और ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि गीता के ज्ञान को पढ़कर भी हम ज्ञान धर्म का सहारा लेना चाहते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, अधर्म को अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। तो इसीलिए गीता सिर्फ हमको ज्ञान देकर हमको सही मार्ग की ओर ले जाना चाहती है, बाकी अंत में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन को हम बदल लेते हैं, उसको सही दिशा में ले जाते हैं, और या फिर हम अधर्म के मार्ग पर ही चलते रहते हैं, अज्ञानता में ही रहते हैं और अपने जीवन में पतन का कारण बनते हैं। तो गीता का लक्ष्य केवल और केवल धर्म और भगवान की प्रसन्नता है, धर्म का पालन करना और भगवान की प्रसन्नता करना है, ना कि किसी के जीवन में अधर्म को बढ़ावा देना या उनके जीवन में कष्ट लेकर आना। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस।